Send money to any bank through UPI. Hi friends, myself Xavier, and you're watching my channel ZapByte. Please like and subscribe. आज के इस वीडियो में आपको मैं मनी ट्रांसफर करना सिखाऊंगा, वो भी किसी भी बेसिक फोन से। तो यहाँ से अपना *99# एंटर करते हैं और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमको पहला वाला ऑप्शन चूज करना है, सेंड मनी, और सेंड बटन पे क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में यहाँ पे आप 5 तरीके से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन मैं 5वां तरीका IFSC और अकाउंट नंबर डाल के मनी सेंड करूँगा। तो मुझे जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उसका IFSC कोड डालिए और सेंड बटन पे क्लिक कीजिए। सेंड बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। तो आपको जिसको भी पैसा ट्रांसफ़र करना है उसका अकाउंट नंबर इसमें डाल दीजिए और सेंड बटन पे क्लिक कर दीजिए। और अमाउंट इंटर कीजिए। इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, यहाँ मैं मिनिमम 100 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे 6 डिजिट का UPI पिन डालने को कह रहा है। तो UPI पिन सेट करने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दी है। और यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, तो यहाँ से आप सेव या एग्जिट कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक थैंक यू मैसेज आया है। यहाँ से मैं *99# प्रेस करके फिर से एक अपना ट्रांजैक्शन चेक कर लेता हूँ कि मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल था या नहीं। तो मैं 6वें नंबर पे सेट करता हूँ, 6 नंबर दबा के सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे आपका शो कर रहा है मेरा ट्रांजैक्शन, मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल ZapByte को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।